Okay hi everyone so today let's uh, discuss one interesting problem so it says the water flows uh, through a horizontal tube as shown in figure if the difference of heights of water column in uh, vertical tubes is 2 cm and the areas of cross section at a and b are 4 cm square and 2 cm square respectively find the rate of flow of water across any section okay सो so, देखो इस तरह से ये डायग्राम दे रखा है लग से ये जो ट्यूब है इसका जो सेंटर है वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं दिस इज़ द एक्सेस ऑफ द ट्यूब आप इस तरह से इसे ले सकते हो सो so, ये जो एक्सेस है ये ट्यूब के सेंटर से पास होती है नाउ लेट्स से हम टू पॉइंट्स लेते हैं लेट्स से पॉइंट वन एंड पॉइंट टू ऑन द एक्सेस ऑफ दिस ट्यूब एंड पॉइंट वन पे जो पैरामीटर्स है स्पीड वी वन है एरिया ए वन है and pressure p1 similarly point two pay speed v2 area a2 and pressure p2. If I use Bernoulli's equation between uh, two points then p1 plus rho into g into h1 plus half of rho into v1 square that should be equal to p2 plus rho g h two plus half of uh, rho into v2 square. ना आप देखो कि ये जो पॉइंट वन एंड पॉइंट टू है ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है सो एच वन दैट शुड भी इक्वल टू एच टू मीन्स पॉइंट वन एंड पॉइंट टू का जो हाइट है या फिर लेवल है किसी रेफरेंस पॉइंट से दैट विल भी सेम सो वी कैन से ये कैंसिल हो जाएगा सो वॉट इज़ पी वन पी वन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेट से uh, जो हाइट है वाटर का अब पॉइंट वन दैट इज़ एच वन एंड जो हाइट है वाटर का इन द कॉलम

सो so, इस तरह से हम इक्वेशन्स uh, लिख सकते हैं वॉट वी हैव टू फाइंड आउट इज़ यू कैन सी पी वन माइनस पी टू दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेंसिटी इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर एंड यहाँ से पी वन माइनस पी टू कितना आएगा दैट विल बी रो इंटू जी इंटू एच वन माइनस एच टू प्रेशर तो कैंसल हो जाएगा एंड एच वन माइनस एच टू इज़ गिवन यू कैन सी जो कॉलम में हाइट डिफरेंस है अ डिफरेंस ऑफ हाइट्स इन वाटर कॉलम इन वर्टिकल ट्यूब्स इज़ टू सेंटीमीटर सो एच वन माइनस एच टू दिस इज़ टू सेंटीमीटर ये टू सेंटीमीटर दे रखा है सो यू कैन पुट दिस वैल्यू हेयर दैट विल बी रो इंटू जी इंटू एच वन माइनस एच टू दैट विल बी टू अपॉन हंड्रेड है ना मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट विल बी हाफ ऑफ रो इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर सो यहाँ से डेंसिटी ऑफ वाटर कैंसिल हो जाएगा

एंड सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी दैट विल बी फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सी इज दैट जो मास फ्लक्स है ना मास फ्लक्स दैट इज कितना मास ऑफ वाटर एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करता है दैट विल बी कॉन्स्टेंट सो अगर हम क्रॉस सेक्शन वन की बात करें देन रो इंटू वी इंटू ए मास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इज डेंसिटी इंटू स्पीड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया राइट this will be constant so cross section uh, one way density rho1 speed v1 into cross sectional area a1 that should be equal to rho2 into v2 into a2 now density of water you have to assume constant because water ko hum incompressible assume karenge if nothing is mentioned in the problem you have to assume that the liquid is incompressible if liquid is incompressible then its density will be constant मीन्स क्रॉस सेक्शन वन पे जो डेंसिटी था रो वन दैट इज़ द डेंसिटी एट क्रॉस सेक्शन टू सो रो वन इज इक्वल टू रो टू सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा वी वन इंटू ए वन नाउ ए वन इज़ गिवन आप देखो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है ए वन दैट इज़ फोर आई थिंक फोर सेंटीमीटर स्क्वायर राइट ये फोर सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये टू सेंटीमीटर स्क्वायर है सो यहाँ पे यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज़ ए वन विल बी फोर एंड वी टू इंटू ए टू विल बी टू सो so, यहाँ से देखो आ, v2 टू इज़ ट्वाइस ऑफ v1 वन ना यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ़ v2 टू हेयर वी का वैल्यू आप क्या पुट करोगे v2 का वैल्यू ट्वाइस ऑफ़ v1 वन सो दैट विल बी फोर टाइम्स ऑफ v1 वन स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर बाई टेन सो यहाँ से आ जाएगा v1 वन स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू फोर बाय थर्टी एंड यू कैन से v1 वन इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ़ फोर बाय थर्टी है ना सो वी वन का वैल्यू आ गया Now, हमें क्या फाइंड आउट करना है आप वी टू का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो बट वॉट एक्चुअली वी कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है एक सेकेंड में दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम फ्लक्स तो वॉल्यूम फ्लक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एन टू स्पीड सोल से पॉइंट वन की अगर हम बात करें तो वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए वन इंटू स्पीड कितना है वी वन ए वन कितना हो जाएगा फोर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वी वन कितना हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ फोर अपॉन थर्टी एक्चुअली दिस इज़ इन मीटर पर सेकेंड सो आप इसे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर लो सो दैट इट विल बी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड ये जो आंसर आएगा दिस विल भी इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है ना और ये जो वॉल्यूम फ्लक्स है ये कॉन्सेंट होगा लाइक like, अगर आप वी टू फाइंड आउट करते हो वी टू यू कैन ईजिल फाइंड आउट दैट इज़ टू टाइम्स ऑफ वी वन एंड वी टू इन ए टू करते हो ना देन ये भी सेम आएगा बिकॉज ये वॉल्यूम फ्लक्स है दैट इज कितना वॉल्यूम एक गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है एक सेकेंड में सो दैट विल बी कॉन्सटेंट फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स फॉर ऑल द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पाइप सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन दिस numerical value you can find out right okay guys keep working hard best of luck bye